तो उठा लीजिए कागज और कलम, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं हजारों नौकरियों के पते। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL ने 379 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए दिया है विज्ञापन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है वो कर सकते हैं आवेदन। आवेदन की अंतिम तारीख है 28 मार्च 2011। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें news24online.com। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब ने 557 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। सभी पदों के लिए योग्यता और उम्र सीमा अलग अलग है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 18 मार्च 2011 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें news24online.com। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली ने 137 टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए दिया है विज्ञापन। सभी पदों के लिए योग्यता और उम्र सीमा अलग अलग है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 21 मार्च 2011 तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें news24online.com। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 120 सुपरवाइजर्स के लिए मांगा है आवेदन। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 1 फरवरी 2011 को 21 से कम नहीं हो और जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स कॉमर्स में ग्रेजुएशन या MBA किया हो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 12 मार्च 2011। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें news24online.com। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के 47 पदों के लिए दिया है विज्ञापन। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 4 अप्रैल 2011 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें news24online.com। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जरूरत है 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की। वो उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 साल से 25 साल के बीच हो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख है 4 अप्रैल 2011। किसी भी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जरूरत है 97 डिप्लोमा और टेक्नीशियन की। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डिप्लोमा ट्रेनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि टेक्नीशियन ट्रेनी पोस्ट के लिए ITI पास होना जरूरी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 मार्च 2011 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए news24online.com पर लॉग इन करें। कोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है 74 लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट के लिए विज्ञापन। अगर आप 12वीं पास हैं और टाइपिंग की अच्छी स्पीड रखते हैं तो क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास BCom की डिग्री होना जरूरी है। सभी 74 पदों के लिए कैंडिडेट की उम्र 28 से 27 साल के बीच होना जरूरी है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल 2011 से पहले आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें news24online.com। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने असिस्टेंट के 75 पदों पर भर्ती के लिए इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन से मांगा है आवेदन। अगर आप 12वीं पास हैं और इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में जीत दर्ज करा चुके हैं तो 15 मार्च 2011 तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए news24online.com पर लॉग इन करें। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल ने इंजीनियर के 45 पदों पर भर्ती के लिए दिया है विज्ञापन। अगर आप बीटेक या बीई डिग्री धारक हैं तो 12 मार्च 2011 से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए देखें news24online.com। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOC ने दिया है 265 जूनियर बिजनेस असिस्टेंट, जूनियर ऑपरेटर और जूनियर चार्जमैन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन। अलग अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग अलग है। उम्र की सीमा है 18 से 32 साल के बीच। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 19 मार्च 2011 से पहले आवेदन कर सकते हैं। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए देखें news24online.com।